कोरोना के चलते बंद पड़ी मेट्रो एक बार फिर पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। 7 सितंबर से मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। इसी के साथ करीब 5.5 महीने बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में भी मेट्रो दौड़ने लगेंगी। लेकिन अभी मेट्रो एक सीमित समय के लिए ही चालू की जा रही है। अभी सुबह 7 से 11 और शाम को 5 से 9 बजे तक मेट्रो चलेंगी। शुरुआत के एक हफ्ते के लिए इसी टाइम टेबल का पालन किया जाएगा। नोएडा और गाजियाबाद में ब्लू लाइन का संचालन 9 सितंबर से होगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी को नियमित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। फिर यात्रियों की संख्या बढ़ने पर समय बढ़ाया जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी करीब 15 मिनट में होगी। वहीं 9 सितंबर को ब्लू लाइन मेट्रो वैशाली तक जाएगी। 10 सितंबर को रेड लाइन मेट्रो न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन तक जाएगी। मेट्रो में एंट्री गेट पर सैनिटाइजर स्प्रे लगा होगा। इसके अलावा जहां टोकन चलेंगे वहां प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद ही एंट्री की परमिशन दी जाएगी। मेट्रो सेवा को लेकर सिटी ट्रांसपोर्ट भी तैयारियों में जुट गया है। मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को सिटी बस सेवा मिलेगी।